नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे जन्म कुंडली के बारे में। देखिए, ज्योतिष एक आईने की तरह होता है। जब हम तैयार होते हैं तो आईने में देखते हैं कि हमें तैयार होने में क्या कमी है। काफ़ी भाई बहन आईने को देखते हैं, शीशे में देखते हैं, तो शीशा हमारे अंदर की कुछ कमियां हमारे जो शरीर पे होती हैं, चेहरे पे, जो हम खुद नहीं देख सकते, वो बता देता है कि आपके बाल अभी कैसे हैं, क्या करना है। तो उसी प्रकार जो ज्योतिष है, ज्योतिष गणना है, वो आपकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा सुगम सरल उपाय है ना। तो इसमें होता क्या है, देखिए, जब आप नौकरी के विषय में अच्छी स्टडी करके, पढ़ाई करके, कोर्स करके, सरकारी नौकरी के चक्कर में आप जब जगह जगह इंटरव्यू देते हैं, या प्राइवेट जॉब के लिए भी जगह जगह इंटरव्यू देते हैं, है ना, भाग दौड़ करते हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलती, मन उदास हो जाता है, अंदर से इंसान टूट जाता है ना। उम्मीद यही रहती है कि अब मिलेगी, अब मिलेगी, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे भाग्य का, किस्मत का हम बीच में हिस्सा होता है, हम किस्मत को कोसते हैं। कुंडली क्या कहती है? कुंडली हमें यही मार्ग दिखाती है कि हमें किस फील्ड में लगन से मेहनत करनी चाहिए और हमें किस समय में कौन सा उपाय या कौन सा तरीका, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, हमें नौकरी प्राप्त हो। ज्योतिषी गणना का मैं एक उदाहरण देता हूँ। कुंडली के बारे में विस्तार से बात करेंगे, वीडियो पूरी देखिए तो आपको कुछ समझ आएगा। एक व्यक्ति ने, ये उदाहरण है, एक व्यक्ति ने साधु महाराज से पूछा कि बाबा, मेरे भाग्य में देखिए क्या धन प्राप्ति है। साधु महाराज ने कहा कि तेरे भाग्य में गड़ा धन है। ऐसे करो, आप यहाँ से 50 कदम चलकर जाओ, एक पेड़ के नीचे आपको धन गड़ा हुआ मिलेगा, उसको खोद कर निकाल लेना। इतनी बात सुनते ही तुरंत वो व्यक्ति वहां से दौड़ पड़ा। जैसे ही गया, 50 कदम चला, उधर पेड़ नहीं दिखाई दिया, थोड़ा आगे पीछे हुआ, थोड़ा आगे चला या पीछे चला, इधर उधर देखा तो पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे उसने बहुत खोदना शुरू किया, कोई धन नहीं मिला, और ज़्यादा खोदना शुरू किया, कोई धन नहीं मिला। इसी प्रकार उसको काफ़ी मेहनत की उस व्यक्ति ने, फिर दौड़कर आया साधु महाराज के पास और बोला, अरे बाबा जी, क्रोध में, कि आपने कहा था कि 50 कदम चलिए, मैं तो 50, 45, 55 इधर उधर कदम भी चला, पेड़ भी खोजा, पेड़ की तलाश की, खुदाई भी की, बहुत मेहनत की, संघर्ष की, लेकिन मेरे को गड़ा धन तो बहुत दूर एक छोटा सिक्का तक वहां नहीं मिला। बाबा ने कहा कि ध्यान से सुनो, मैंने आपको कहा था कि आपको 50 कदम चलकर पेड़ मिलेगा, लेकिन आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, पूरी बात ध्यान से नहीं सुनी। आपने ना तो कोई मार्ग पूछा कि कौन सी दिशा में, आप तो मुंह उठाकर यूं ही दौड़ लिए। आपने पूछा कि कौन सी दिशा में जाना है, नहीं ना। आपने पूछा कौन सा पेड़ मिलेगा, नहीं। तो आपके अधूरे ज्ञान के कारण आपकी मेहनत व्यर्थ गई। यही कुछ हमारे साथ निजी जीवन में होता है। हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारा सहपाठी, मित्र या कोई रिश्तेदार या आस पड़ोस का क्या होता है कि अच्छी सर्विस में लग जाता है, कोई कोर्स करके, घर वाले सोचते हैं कि हाँ उसने BTech किया है या MBA किया है, या जो भी, हम भी लड़के को या लड़की को वही करवा देते हैं, इसको भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन हमारी लगन किसी और कार्य में होती है, हमारी किस्मत कहीं और खींचना चाहती है, हमें कहीं और लेके जाना चाहती है ना। तो यही होता है, अक्सर हम काफ़ी पढ़ाई स्टडी करने के बाद
तैयारी करते हैं, हाँ अभी हमने पॉलिटेक्निकल की है, हम इसमें तैयारी करें, लेकिन किस्मत कहीं और मोड़ देती है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन कोर्स कुछ करता है, या इंजीनियर बनना चाहता है किस्मत में कुछ और लिखा होता है, तो ये होता है। आपको पहले अपनी सही दिशा चुननी होती है कि कौन सी दिशा चुने, फिर अपना टारगेट फोकस करना होता है, फिर आपकी शुरू होती है मेहनत। लेकिन आप पहले मेहनत करते हैं, फिर टारगेट डिसाइड करते हैं, फिर आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन कामयाब व्यक्ति पहले अपना टारगेट फिक्स करते हैं, फिर उस पर फोकस करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, फिर मेहनत रंग लाती है। तो कुंडली में हमें दिशा और दशा का पता चलता है। दशा के माध्यम से किस ग्रह की दशा है, उसका क्या उपाय है, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में कि हमें कौन सा व्यापार फायदा देगा, कौन सा व्यापार घाटा देगा, व्यापार हम अकेले करें, पार्टनरशिप में करें, अपने सगे मित्र संबंधी के साथ करें या ना करें, वो ज्योतिष की गणना हमें मार्ग दिखाएगी। परिवार में, फैमिली में कोई बीमार रहता है, उनकी कुंडली के आधार पर पता चलता है कि ये बीमारी कब तक, इसका कब तक समय है या क्यों है, क्यों ठीक नहीं होती। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि लंबे समय तक दवाइयां लेने के बाद भी ठीक नहीं होती, जब तक दवाई लेते हैं ठीक चलते रहती है, दवाइयां छोड़ने के बाद फिर शुरू हो जाती है, उसका मार्ग निकलता है ज्योतिषी से, कुंडली के माध्यम से हल जरूर निकलता है। संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, शादी के कई वर्ष हो चुके हैं, काफ़ी डॉक्टरों के, फकीरों के, तांत्रिकों के चक्कर लगाए लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, बहुत बार रिपोर्ट नॉर्मल आती है, बहुत बार कुछ ना कुछ गड़बड़ आती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो हल निकलेगा आपकी जन्म कुंडली से। तो बहुत से ऐसे प्रश्नों का जो उत्तर है, हल है, समस्याओं का जो समाधान है, वो कुंडली के माध्यम से है। कुंडली हमें विशेष मार्ग दिखाती है, एक राह दिखाती है, फिर उस मंजिल पे पहुंचने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। आंख बंद करके मेहनत नहीं की जा सकती। जन्म कुंडली के डिजाइन कई होते हैं, लेकिन अंदर की जो लगन और चंद्र कुंडली होती है वो सेम होती है। इसको कई प्रकार से बनाते हैं, छोटी बड़ी काफ़ी बड़ी, तो हम अच्छी कुंडली बनाते हैं। हमारे भवन से विद्वान ब्राह्मणों द्वारा जन्म कुंडलियां बनाई जाती हैं। जन्म कुंडली बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, जन्म का समय, जन्म का दिन, तारीख, महीना और साल, किस साल में जन्म हुआ, और जन्म स्थान, इस बायोडाटा से कुंडली निकलती है। जन्म तारीख, महीना और साल प्लस जन्म स्थान और जन्म समय, ये अगर आपका सही है और तो सही गणना करने में आसानी होगी, फलादेश भी अच्छा आएगा। अब बात करते हैं कि जिनकी जन्म डेट ही नहीं है, तो उनके लिए बहुत से मार्ग हैं अपने बारे विस्तार से जानने के लिए। हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा, है ना, पर्सन लगन कुंडली, कि आप किस समय कौन सा पर्सन करना चाहते हैं या कौन सा पर्सन कर रहे हैं, किस विषय में, नौकरी के, स्वास्थ्य के, पत्नी के, विवाह के, शादी के, समय के अकॉर्डिंग जो निकलता है पर्सन लगन कुंडली बोलते हैं। एक है लिपि शास्त्र, आप कुछ लिख कर बताइए, आपकी लिखावट के अनुसार पता चलेगा लिपि शास्त्र के माध्यम से। और हस्तरेखा, और ये लाल किताब आपके सामने रखी है, तो बहुत से मार्ग हैं पूछने के, समस्याओं का हल निकालने के, समाधान निकालने के, है ना। और जिनकी जन्म डेट है टाइम या कुछ गड़बड़ है, पूरी नहीं है, तो उसमें का भी हल निकल जाता है। लेकिन जिसके पास जन्म डेट टाइम सही है, अपना, पत्नी का, बच्चों का, तो वो जन्म कुंडली बनवा सकता है। जन्म कुंडली में पीछे फलादेश लिखा जाएगा,
कि समय समय पर कौन से ग्रह की महादशा चली हुई है, कौन से ग्रह की अंतरदशा, विषोत्तरी दशा है ना, गोचर ग्रह क्या है, नवांश कुंडली में क्या है, तो सब विस्तार से फलादेश में लिखा जाएगा। स्वास्थ्य के संबंधित आपके जो प्रश्न हैं, नौकरी के संबंधित, विवाह तो आदि जो भी प्रश्न है उसके संबंधित भी लिखा जाएगा, विस्तार से ग्रहों का उपाय लिखा जाएगा और सही मार्ग आपको कुंडली के माध्यम से दिखाया जाएगा। कुंडली बनवाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.astrosarthi.in। वीडियो का जन्म कुंडली का लिंक और वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप सबमिट करके अपना बायोडाटा कुंडली बनवा सकते हैं। कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मन में कोई प्रश्न है, कोई संशय है, प्रश्न है, विस्तार से पूछिए और व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों की कुंडलियाँ जरूर होनी चाहिए ताकि उन्हें आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि लूज समय आता है कष्ट का, तो कुंडली उठाई, पीछे फलादेश देखा, पढ़ा और वो उपाय कर लिया। श्रद्धा विश्वास से अगर हम कुछ करते हैं तभी हाल निकलता है ना। तो आप अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चों की बनवा सकते हैं, बहुत ही कम उचित मूल्य पर, लागत मूल्य पर, मेहनत से, लगन से बहुत अच्छी कुंडली हमारे विद्वान ब्राह्मणों द्वारा बनाकर आपके पास भेजी जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। भगवान आप पे व आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। जुड़े रहिए हमारे साथ। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जो पास में बेल है उस पर क्लिक कीजिए ताकि हम अगली वीडियो कोई भी उपाय की या किसी भी समस्या का समाधान जैसे ही अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को धन्यवाद। जय माता दी।